लागत मात्र 10 रुपए और उसी 10 रुपए की लागत से आप लोगों की कमाई होने वाली है 4,778 रुपए। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस बिजनेस को शुरू करके दिन का 15,000 से 20,000 रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। कहीं पर भी बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और आज हम बात करने वाले हैं एक मधुमक्खी के छत्ते में से हम वैक्स कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें से हम शहद को थोड़ा अलग करेंगे। आप कपड़े का इस्तेमाल करके भी शहद को अलग कर सकते हैं। इसमें जो थोड़ा सा शहद बचा है उसको क्लीन करने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी वैक्स जो है वो एकदम तैयार है हमारे पास। पर हम अभी इसको प्रोसेस करके थोड़ा और अच्छा करेंगे। इसी प्रोसेस की मदद से मैंने और भी बी वैक्स को क्लीन किया है जिसमें से शहद थोड़ा निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसकी नमी को दूर करने के लिए इसमें थोड़ा सा जो शहद है उसको निकालने के लिए हम इसको पानी से साफ करेंगे। बीस वैक्स को साफ करने के लिए आप एक मीडियम साइज का बर्तन लीजिए, उसमें 20 वैक्स डालिए और थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने हाथों की मदद से जेंटली रब कीजिए ताकि जो शहद इसमें बचा खुचा है वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर हम उस पानी को छन्नी की मदद से आसानी से छान लेंगे। तो इसी प्रोसेस को आप 2-3 बार दोहराइए और 20 वैक्स में से जो बचा खुचा शहद है, जो नमी है, वो आप निकालिए। 20 वैक्स में से हमने हनी निकाल दिया है तो अब हमारा 20 वैक्स नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें करना ये है कि हमें 20 वैक्स को पूरा सा लिक्विड बनाना है। आप डबल बॉयलर यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं था इसलिए मैंने जल्दी से ये प्रोसेस की है। तो आप इसमें से थोड़ा पानी भी ऐड करके डायरेक्टली इसको गर्म कर सकते हैं ताकि ये पूरा जले नहीं और ज़्यादा धुआं ना हो। तो मैं यहाँ पे पानी डाल के इसको डायरेक्टली हीट करके बर्तन में गर्म कर रहा हूँ। हालांकि हम डायरेक्ट हीट की मदद से इसको गर्म कर रहे हैं तो महज 2 या 3 मिनट में पूरा 20 वैक्स जो है वो उबलने लग जाएगा। जैसे ही 20 वैक्स पूरी तरह से लिक्विड हो जाए, आपको करना ये है कि दूसरे से कंटेनर में या बर्तन में या किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में आप इसको छन्नी की मदद से छान लीजिए, क्योंकि अभी 20 वैक्स पिघला हुआ है तो 20 वैक्स में जो भी कचरा है वो हम छन्नी की मदद से छान लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक का एक बॉक्स है और उसमें मैं हमारा पिघला हुआ 20 वैक्स है उसको छन्नी की मदद से छान रहा हूँ। जैसे ही हम छन्नी की मदद से 20 वैक्स को साफ कर लेंगे, छान लेंगे, तो उसके बाद छन्नी में जो मिलेगा वो इसका धूल मिट्टी वाला कचरा होगा जो 20 वैक्स में ऑलरेडी होता है। तो गाइस, इस प्रोसेस की मदद से 20 वैक्स में जो धूल मिट्टी और डर्ट होता है उसको हम साफ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी छन्नी में बहुत सारी धूल मिट्टी है जो कि हमारे ऑलरेडी 20 वैक्स में थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा था, वो यही चीज़ है। अब हम 20 वैक्स जो है वो नॉर्मली टेम्परेचर पर या फैन के नीचे रख के उनको ठंडा होने देंगे। 20 वैक्स की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। 20 वैक्स जो है वो पानी के ऊपर भी तैरता है और उसके अंदर जो भी कचरा होगा वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो जैसे ही आपका 20 वैक्स ठंडा हो जाता है, आप इसमें से पानी निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे नाइफ की मदद से चारों ओर कट लगा रहा हूँ जिसकी मदद से उसमें बचा हुआ जो पानी है वो हम बाहर निकाल लेंगे और इस पूरे 20 वैक्स की लेयर को पीस करके बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 वैक्स के नीचे थोड़ी सी धूल मिट्टी लगी है, तो नाइफ की मदद से हम इसको साफ कर सकते हैं और थोड़ी सी धूल मिट्टी एक बॉक्स में भी बची हुई है तो ये तो पूरा फेल है। और 20 वैक्स के नीचे जो धूल मिट्टी है उसको हम नाइफ की मदद से साफ कर लेंगे तो वापस बॉयल करके इसमें से और भी धूल मिट्टी थोड़ी बची हो तो उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से जितनी बार आप प्रोसेस करेंगे आपको उतना अच्छा 20 वैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे पीस के नीचे से जो थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी वो पूरी साफ कर दी है। तो अभी ये जो हमारे सारे पीस थे वो एकदम क्लीन है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी मिट्टी बची हुई है। तो हम वापस से इसको एक बार प्रोसेस करेंगे, बॉईल करेंगे और इसकी क्लीनिंग करेंगे। अभी भी ये बहुत क्लीन लग रहा है, लेकिन हम इसको और भी क्लीन करेंगे। तो फिर से हम एक बार बॉइलिंग की प्रोसेस जो थी उसको दोहराएंगे और वापस से इसमें से थोड़ा सा डर्ट बचेगा उसको क्लीन करेंगे। अगर आप 20 वैक्स में पानी कम मिलाते हैं तो आपको बर्तन को पकड़ के हिलाते रहना होगा ताकि पिघला हुआ जो 20 वैक्स है वो बाकी के पीस को टच होगा तो उसको भी जल्दी जल्दी पिघलता रहेगा। तो आप कंस्टेंटली अगर इसको बर्तन को पकड़ के हिलाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी एकदम पिघल जाएगा और ज़्यादा धुआं भी नहीं होगा। अगर एक ही जगह पर वो पड़ा पड़ा उबलेगा तो ज़्यादा धुआँ होगा। तो जैसे ही 20 वैक्स के सारे पीस पिघल जाते हैं, आप इसके छोटे से कंटेनर में इसकी साइज़ के हिसाब से निकाल लीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। तो अब इसके बाद मिल जाएगा हमको प्योर 20 वैक्स। अगर इसमें अभी भी धूल मिट्टी होगी तो वो नीचे चली जाएगी। तो हम इस पीस को वापस बाहर निकाल के उसकी मिट्टी को साफ करके वापस इस प्रोसेस को दोहरा के इसको पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं। 20 वैक्स को थोड़ा जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने एक प्लेट में पानी रखा है, क्योंकि बॉक्स के बाहर की सतह जो होगी वो गर्म होगी क्योंकि अंदर गर्म 20 वैक्स है। तो उस बाहर की सतह को ठंडा करने के लिए पानी काम करेगा और फैन के नीचे रख के भी आप इसको जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 मिनट के वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि इसकी कूलिंग होने की प्रोसेस आपको अच्छे से दिखे। तो
दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत छोटी सी अमाउंट में आपको दिखाया है कि बीस वेस्ट को कैसे क्लीन किया जाता है और कैसे हम इसको साफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बीस वेस्ट जो है वो एकदम ही नर्म है और एकदम ही क्लीन दिख रहा है, जिसमें कोई भी डर्ट नहीं है और एकदम स्मूथ है। दोस्तों अपने खुद से देखा कि बीज वैक्स क्रीम जो होती है वो कैसे बनती है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए मधुमक्खी का छत्ता। जो भी मधुमक्खी का छत्ता है आपको कहां पर मिलेगा, जो मधुमक्खी पालन करते हैं उनके लिए बिल्कुल वेस्टेज होता है, वो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को वहां से मिल सकता है। इसके लिए आपको कहीं से पैसे देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको वहां से ये चीज परचेज करनी है, अपने घर बैठ करके आपको इसे बनाना है और इसकी छोटी सी पैकिंग करनी है। वो पैकिंग आप 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 250 ग्राम की और 500 ग्राम की, आप इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आपको करनी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मार्केट में इसके रेट क्या है, क्योंकि रेट जाना सबसे पहले जरूरी है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे कहां पर बेच सकते हैं, घर बैठे कैसे बेच सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आप लोगों को दिखाता हूं कि मार्केट के अंदर इसके क्या रेट हो सकते हैं। देखिए आपको टाइप करना है गूगल पे हनी बीज वैक्स क्रीम, ठीक है। सिंपली मैंने टाइप किया है और यहाँ पर ये देखिए अमेजोन की वेबसाइट है और मैं इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये आप देख सकते हो बीज वैक्स, ठीक है, रो एंड अनरिफाइंड, और ये है 50 ग्राम का पैकेट है, आपके सामने दिख रहा होगा फोटो के अंदर, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी MRP चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो 50 ग्राम का जो पैक है ये 239 रुपये का है, और अगर आप 100 ग्राम का खरीदते हैं तो ये 478 रुपये का आपको पड़ेगा। 100 ग्राम 478 रुपये का आपको ये पड़ रहा है, और जो 50 ग्राम का है ये 239 का है, वो भी इसने -40% जो है लेस करके ये आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर रेटिंग भी इसकी 3.6 है। और अगर मैं बात करूँ कि 1 kg बीज वैक्स की, तो 1 kg जो बीज वैक्स है वो आपको पड़ रहा है 478 × 10 4,780 रुपये का, और इसके इसको बनाने में आपकी जो लागत आई है मात्र 10 रुपये आई है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि जो मधुमक्खी का छत्ता है वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा देखने के लिए। आप जो भी मधुमक्खी पालन करते हैं आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि उनके वो किसी काम का नहीं आता, उनके लिए वो वेस्टेज होता है, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा जो भी मधुमक्खी पालन करते हैं उनके पास में से, ठीक है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही है, जो भी ऑयल वगैरह लग रहा है वो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, उसको मिक्स करके आप बीजवैक्स बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं। और भी आपको बीजवैक्स बनाने के तरीके यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और आप इसे आसानी से अमेजोन जैसी और भी वेबसाइट के ऊपर अपना सेलर अकाउंट बना करके बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। घर बैठे आपको मात्र 10 रुपये का जहां पर खर्चा आ रहा है वही चीज़ आपकी 4,778 रुपये के अंदर बिक रही है, तो सोचने की बात है कि कितनी ज़्यादा कमाई इस बिज़नेस के अंदर लोग कर पा रहे हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता है वो आपको मिल जाएगा आराम से, कहीं से भी जो मधुमक्खी पालन करते हैं वहाँ से आपको लेना है, इस तरीके जैसे कि मैंने वीडियो में बताया उस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद में आपको FSSAI का लाइसेंस लेकर के है ना, और आप इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं अमेजोन पे सेलर अकाउंट बना करके। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।